हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स चैप्टर के बारे में रीडिंग करेंगे। जो हमारा चैप्टर रहेगा आज का, हाउ बर्ड्स गॉट ब्राइट फीदर्स। हाउ मीन्स होता है कैसे, बर्ड्स मीन्स पक्षी, गॉट मीन्स प्राप्त किया या मिला, ब्राइट मीन्स चमकीले और फीदर्स मैंने पंख, कि पक्षियों को चमकीले फीदर्स, चमकीले पंख कैसे प्राप्त हुए, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी कुछ झलक देख लेते हैं, इस लेसन के अंदर क्या होने वाला है। ए बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड, जो बर्ड्स होता है, पक्षी होता है, उसकी बॉडी कवर्ड होती है, किससे कवर्ड होती है, विद फीदर्स, पंखों से। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट फीदर्स और कलर्स, कि अलग अलग प्रकार के जो बर्ड्स होते हैं उन सभी के जो फीदर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। देखिए कि हम देखते हैं कि कुछ एक जो बर्ड्स होते हैं उनके फीदर्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और कुछ एक क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। इट मीन्स क्या है कि हर एक बर्ड के डिफरेंस टाइप के फीदर्स होते हैं। बट डू यू नो, क्या आप जानते हो, हाउ बर्ड्स गॉट दीज फीदर्स, कि इन बर्ड्स को, इन पक्षियों को ये फीदर्स कहाँ से मिले। रीड दिस फॉक टेल टू फाइंड आउट, आओ स्टोरी को पढ़ें और जानें। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, मैनी बर्ड्स लिव्ड, बहुत से पक्षी रहते थे डेंस फॉरेस्ट। डेंस का मतलब होता है घना, कि बहुत से पक्षी जो है घने जंगल में रहते थे। दीज बर्ड्स, ये पक्षी वर आइदर ब्लैक, आइदर होता है या, ये पक्षी या तो ब्लैक व्हाइट और ब्लैक एंड व्हाइट इन कलर, ये पक्षी क्या थे, ब्लैक व्हाइट और ब्लैक और व्हाइट थे कलर में। इन दिस सेम फॉरेस्ट, इसी फॉरेस्ट के अंदर लिव्ड ए ग्रेट बिग स्नेक, एक बहुत बड़ा स्नेक सांप रहता था। द स्नेक, वो सांप हैड येलो स्किन, उसकी स्किन कैसी थी, येलो कलर की थी विद अ ब्लैक पैचेस, और उसके ऊपर किस तरह पैच बने हुए थे, ब्लैक पैच बने हुए थे ऑल ओवर, चारों तरफ से। वन मॉर्निंग, एक सुबह को, द हंगरी स्नेक, भूखा सांप सा देखा, सम रेड फ्लावर्स, कुछ लाल कलर के फ्लावर्स देखे, स्नैप स्नैप स्नैप, तो स्नैप्स होती है काटने की आवाज़, ये एक तरह के काटने की आवाज़ आती है, कि जिस जब रेड फ्लावर्स को उन्होंने देखा और जब उसने, जब वो स्नैक था वो जब फ्लावर्स को काट रहा था, जो साउंड आ रही थी उस साउंड को बताया गया इसके अंदर स्नैप स्नैप स्नैप। ही वेंट वेस्ट एंड एट देम ऑल, वह गया और उन सभी जो रेड कलर्स के फ्लावर्स थे उन सभी फ्लावर्स को वो खा गया। एज ही ग्लिडेड ऑन, ग्लिड का मतलब होता है फिसल गया, जैसे ही वो फिसला, द स्नेक एक्सीडेंटली कॉट द साइट ऑफ हिज टेल, कि जैसे ही उसकी नज़र पूंछ के ऊपर पड़ी, ही टर्न्ड हिज हेड, उसने अपने हेड को टर्न किया टू हैव ए बेटर लुक, कि अच्छी तरह से देखने के लिए, सही ढंग से देखने के लिए जो है उसने अपने सिर को घुमाया। अलोंग विद हिज बॉडी, अपने शरीर को भी, वर पैची, जिसके क्या बने, पैच बने हुए थे ऑफ रेड रेड कलर के। स्नेक, बहुत ही अद्भुत, सेड द स्नेक टू हिमसेल्फ, यानी उन जो पैच थे उनको देख करके उनकी खुद ही जो है स्नेक ने प्रेज की और उन्हें क्या कहा, स्ट्रेंज, बहुत ही अच्छा। बट दिस मेक मी लुक गुड, परंतु इससे क्या है, मैं बहुत ही अच्छा दिखाई देता हूँ। उसके बाद आगे है लेटर द स्नेक सा, तो इसके बाद में जो है स्नेक है, सांप है, उसने क्या देखा, लेटर द स्नेक सा, इसके बाद जो सांप ने देखा, सम ब्लू फ्लावर्स, कौन से कलर के फूल, लेटर द स्नेक सा सम ब्लू फ्लावर्स, कुछ उन्होंने ब्लू कलर के फूल देखे। चर्च चर्च चर्च, चर्च का मीनिंग भी जो है वो एक साउंड है, किसी भी चीज़ को जब काटते हैं तो कर्च कर्च कर उसको बोल चर्च बोलते हैं। ही वेंट, वह गया, एंड एट देम और उन सभी को खा गया। देन ही अगेन टर्न, तब वो वापस मुड़ गया, हीज हैड टू लुक एट हिज बॉडी, बॉडी का मतलब शरीर, वापिस अपने शरीर को देखने के लिए पीछे मुड़ा। ब्राइट चमकीले, ब्लू पैचेस वर बिगनिंग टू अपीयर,
तो उसके जो बॉडी थी उसके ऊपर ब्लू कलर के जो पैच थे वो उभरने शुरू हो गए। द स्नेक वॉज डिलाइटेड, स्नेक क्या हुआ इसे खुश हुआ, डिलाइटेड मतलब होता है खुश होना, वॉज मीन था या थी। ही वह ही स्लिदर्ड स्लिदर्ड का मतलब होता है सही ढंग से, वह सही ढंग से अलोंग द फ्लोवर्स फ्लोवर्स के साथ साथ बुश इन द फॉरेस्ट जंगल में चला गया। एंड स्नैप अप एवरी फ्लावर ही फाउंड, स्नैप का मतलब काट दिया खा गया, और उसके सामने जो भी फ्लावर आया उन सभी फ्लावर्स को उसने काट दिया। बाय द एंड ऑफ द डे यानी दिन के अंत तक यानी शाम तक हिज स्किन उसकी चमड़ी हैड पैचेस हो चुकी थी, किस कलर की, ऑफ रेड ब्लू येलो ऑरेंज एंड पर्पल, जो है इस तरह की सभी जो है कलर्स की जो है उसकी बॉडी हो चुकी थी, रेड ब्लू येलो ऑरेंज एंड पर्पल। आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल स्नेक, मैं क्या हूँ सबसे ब्यूटीफुल स्नेक हूँ किस चीज़ का, इन द वर्ल्ड, जो स्नेक है वो जब इन चीज़ों को खाने के बाद में जब उसकी बॉडी का जो कलर चेंज हो गया था, तो उस कलर को चेंज होने के बाद जो है स्नेक को अपनी बॉडी पे बहुत अधिक घमंड हुआ और उसने स्वयं से कहा कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर सांप हूँ। ही हिस्ट, हिस्ट होता है फुकार मारना, ही हिस्ट उसने फुकार मारी, कॉलिंग कॉलिंग होता है जब सांप बैठता है तो सांप जो है कुंडली बना करके यानी गोल गोल होकर के बैठता है, उसको हम कॉलिंग बोलते हैं, अराउंड अपने जो है चारों तरफ जो है फुकार मारते हुए और कुंडली बनाते हुए सांप है बैठ गया। सो दैट ताकि ही वह कुड फील महसूस कर सके प्राउड ऑफ हिज होल बॉडी, कि वो सारी बॉडी के ऊपर अच्छी तरह से गर्व कर सके, इसलिए वह कुंडली बनाकर बैठ गया। द बर्ड्स पक्षी वर वेरी अपसेट, बहुत ही अपसेट हुए विद द स्नेक सांप से, दे गैदर्ड वे इकट्ठे हो गए अराउंड द स्नेक स्नेक के चारों तरफ, स्क्रीनिंग चिल्लाते हुए विस्लिंग सीटी मारते हुए चर्पिंग चिंचा करते हुए, चर्पिंग होता है पक्षियों के चहचाने की आवाज, वो चारों तरफ उसके बैठ गए चहचाते हुए। क्या बोले इसे आगे, लुक देखो व्हाट यू हैव डन, देखो आप लोगों ने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया, दे सेड उन्होंने कहा, यू हैव इटन ऑल द फ्लावर्स कि आप सारे फ्लावर्स खा गए, एंड स्पॉइल्ड द फॉरेस्ट, और जो है फॉरेस्ट जो है उसको क्या कर दिया, गंदा कर दिया। इट ओनली नाउ ग्रीन, ये आपके साथ दिखाई देने लग गया, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देने लग गया, ये ग्रीन दिखाई देने लग गया। द स्नेक रियलाइज दैट, स्नेक ने महसूस किया या स्नेक को महसूस हुआ, स्नेक को याद आया कि द बर्ड वर राइट, पक्षी क्या थे सही थे, एंड ही हैड बीन सेल्फिश, सेल्फिश होता है स्वार्थी, कि वह स्वार्थी बन चुका था। ही वॉज वेरी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, अशेम्ड होता है शर्म आना, हिम्स होता है स्वयं, उसे स्वयं से बड़ी शर्म आई। ही क्रैप्ट अवे टू ए डार्क कॉर्नर इन द फॉरेस्ट, क्रैप्ट का मतलब रेंगता हुआ, डार्क मीन्स अंधेरा, कॉर्नर मीन कोना, वह जंगल के अंधेरे कोने में रेंगता हुआ चला गया। देयर वहां पर ही शुक उसने हिलाया, एंड शुक अंटिल हिज स्किन बिगेन टू स्प्लिट, जो है वो अपने जो है जो अपनी बॉडी को है जो बार बार जो है इधर उधर मसलता रहा हिलाते रहा, जब तक जो है उसकी जो बॉडी है वो कैसी ना हो गई हो, स्प्लिट ना गई या बंट ना गई हो। स्लोली धीरे धीरे ही मूव्ड आउट ऑफ हिज मल्टी कलर्ड स्किन, वापिस किस कलर में आ गया वो, जिस जो उसका पहले मल्टी कलर था वापिस उसी स्किन में वो आ गया। एंड ग्लिडेड अवे और चला गया इन ए शाइनी ग्रीन वन, और वापिस हरी घास में वापिस वो चला गया। द बर्ड्स सून फाउंड दैट स्किन, तो बर्ड्स को वो स्किन
जल्दी ही मिल गई। दे टॉर, उन्होंने इसको फाड़ दिया। विद देयर बीक्स, अपनी चोंचों से, अपनी चोंच से उस स्किन को फाड़ दिया। एंड ड्रैप्ड, ड्रैप्ड होता है ढक लिया, और खुद को ढक लिया। पीसीज ऑफ इट, तो इसके जो खाल के जो पीस थे उसे स्वयं को ढक लिया। ओवर देयर बॉडीज, अपने शरीर को। एंड विंग्स, पंखों को। सून, जल्दी ही। दे देयर फीदर्स, उनके फीदर्स टर्न्ड रेड, रेड हो गए, ब्लू हो गए, येलो हो गए, ऑरेंज हो गए, एंड पर्पल, कि जल्दी ही जो उनसे जो कलर जो फीदर्स है वो किस कलर के हो गए, रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज एंड पर्पल। ईच बर्ड हैड ए पीस, सभी बर्ड्स के पास एक एक पीस था। द किंगफिशर, जो किंगफिशर था वो ब्राइट ब्लू, वो क्या था, बहुत ही ब्लू कलर का चमकीला था। द ओरियल वाज ब्राइट येलो, ओरियल एक पक्षी का नाम है, ये ओरियल का जो कलर कहता था ब्राइट येलो था। द मेका वाज ऑरेंज, और मेका क्या थे, ऑरेंज कलर की थी, रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन। इवन द टाइनी हमिंग बर्ड, जो छोटा हमिंग बर्ड था वो भी हैड स्क्रैप्स, वो भी क्या हो चुका था, जो छोटा पक्षी था कौन सा, तो जो ये छोटा पक्षी था हमिंग बर्ड्स हैज स्क्रैप्ड, स्क्रैप्ड का मीनिंग होता है स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है बट गया। ऑफ रेड, लाल कलर के, फॉर देयर थॉट्स, अपने गलों के द्वारा। एंड द येलो देयर बीक्स, और उनकी चोंच कैसी होगी, येलो कलर की होगी। व्हेन दे हैड यूज अप, जब उन चीजों को यूज किया, किन को, जब उसने यूज किया ऑल द पीसेस, सभी पीसेस को, ऑफ द स्नेक स्किन, जो स्नेक की स्किन थी उसके सभी पीसेस को जब उन्होंने यूज किया। द बर्ड्स हैड ब्राइट ब्यूटीफुल फीदर, जो बर्ड्स के थे क्या वो सुंदर सुंदर क्या हो गए, पंख आ गए। एक्सपेक्ट पोर्सन, कुछ आसानी करते हुए, लाइक द मैगपिक, मैगपिक की तरह। द क्रो, क्रो हु डिड नॉट लाइक ब्राइट फीदर्स, जो है ब्राइट फीदर को वो पसंद नहीं करता था, मैग्निक होता है अंधेरा। और दीज बर्ड्स, ये पक्षी आर स्टिल, अभी भी हैं, लाइक दैट, उसी तरह दिखाई देते हैं। एज एनीवन, जो कोई भी, हु गो जाता है थ्रू द फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, जो ये पक्षी आज ही वैसे ही दिखाई देते हैं, जब जो कोई भी जाता है यात्रा करने के लिए साउथ अफ्रीका की, वो क्या करेगा, विल टेल यू, आपको इसके बारे में बता देगा। तो स्टूडेंट्स, आज का ये लेसन था, तो सभी बच्चों ने इस लेसन को अच्छी तरह से रीडिंग करनी है, और उसके बाद में जो इसके क्वेश्चन आंसर और टिक द करेक्ट हैं वो आप सभी बच्चों को बाद में पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगे। थैंक यू।